यही कहना चाहूंगी कि मैं पढ़ना चाहती थी और मैं मेरे काफ़ी बहुत सारे सपने थे। मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, आप मुझे बाहर नहीं भेजोगे तो आप अपने साथ ऑफिस पे बैठा के काम करवा लिया करो मुझसे, मैं भी लोगों की प्रॉब्लम सुनूंगी जैसे विक्की लोगों की प्रॉब्लम सुनता है। लेकिन पापा ने कभी मेरी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे घर से ही नहीं निकलने दिया। और अब मास कम्युनिकेशन मुझे कराया तो वो भी इतना अजीब कॉलेज था कि जहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था और मतलब बहुत ज़्यादा बाउंडेशन थी। उनको ये लगता था अभी कि अभी क्या कहना है पापा को अभी मैं इस बस पर? पापा को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच बदल लो और जितनी इम्पोर्टेंस आप विक्की को देते हो हर काम में उतनी इम्पोर्टेंस आप मीनू को और मुझे भी दो। ऐसा नहीं, मैं ये कदम कभी नहीं उठाती लेकिन आपको तो पता भी नहीं होता था कि आप चले जाते थे ऑफिस, आपको पता भी नहीं होता था कि विक्की मुझसे क्या क्या बोलता था, मम्मी मुझसे कितना गलत बोलती थी, मारते थे वो लोग मुझे। तो आपने तो कभी ऐसा कुछ रखा ही नहीं कि हम ये सब बता पाए आपको। तो बस मैं यही बोलूंगी कि आपके माइंड में अगर ये चीज़ है कि लड़की के कुछ करने से ही इज्जत जाती है तो आप गलत सोचते हो। अगर लड़का भी कुछ गलत करेगा तो उससे भी इज्जत जाएगी। और ऐसा नहीं है कि विक्की के बारे में लोग नहीं जानते, सब जानते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपनी सोच बदल लो। अगर आप एक MLA हो और मतलब बाहर की दुनिया को आप ये दिखाते हो कि आप बहुत मॉडल फैमिली से बिलोंग करते हो तो हमारे लिए भी अपनी आपके सोच बदल लो। पिताजी जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर है, राजेश मिश्रा जी। राजेश जी, राजेश जी आप सुन सकते हैं। आप आज तक में अभी आपकी बेटी और अजितेश और उनके पिताजी सब मेरे साथ लाइन पर हैं, लाइव है हमारे साथ। आप इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? राजेश मिश्रा जी, मैं आज तक के स्टूडियो से निशांत बोल रहा हूं, आपकी बेटी अजितेश सब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप इन लोगों को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, टकटक की आवाज आ रही है, आपकी आवाज राकेश नहीं आ रही जी, है। राकेश मैं जी, आवाज को सुन नहीं पा रहा हूँ। राकेश जी सुनिए, राजेश जी सुनिए, आप ठीक है? आप कहिए, आपको पहले इस मामले पर क्या कहना है, आप बताइए। मैं कोई बात करने नहीं, आप लोग परेशान मत कीजिए। मैंने कल अपना निर्णय बता दिया है और आप लोग मुझे आज बच्चा को मजबूर मत कीजिए, मेरे परिवार को चैन से रहने दीजिए। बेटी जहाँ बालिग है अच्छा, राजेश वो जी अपने जहाँ आपकी है, मुझे बच्ची कोई शीनू आपत्ति नहीं है। आपसे बात करना चाहती है राजेश जी। साक्षी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में है। नहीं मुझे राजेश नहीं जी पता, मुझे कुछ साक्षी जानकारी से बात करिए आप। मुझे कुछ भी मुझे जानकारी नहीं, जानकारी वो कैसे मिली पापा? बोलिए साक्षी, पापा से बात करें। पापा हाँ बताओ, कैसे हो? ठीक है, मुझे माफ कर देना। ठीक है, आप बेटा जहाँ रहो खुश रहो, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है। आपने मैंने मुझे कल लेटर लिख के रख दिया है और मैंने कल बयान भी दे दिया, आप जहाँ भी हो खुश रहो। ठीक, धन्यवाद। आपके पिताजी एक तरफ वो ऐसे ही रहे, एक तरफ आपके पिताजी कह रहे हैं कि जहां रहो खुश रहो, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब मीनाक्षी सवाल पूछ रही थी कि आप लोग मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर ना करें, इस सब का क्या मतलब है? आप तो उनकी बेटी हैं, आप उनको जानती हैं, क्या समझती हैं, आपकी क्या कहना चाह रहे हैं? साक्षी क्या कहना चाह रहे थे वो? आप ठीक है साक्षी? इतने वीक तो नहीं है वो लोग कि कोई सुसाइड करेगा घर में या फिर कुछ भी ऐसा। तो पड़ेगा अगर वो मुझे पहले ही समझ जाते तो ऐसा कुछ। हर चीज को हमेशा ना मतलब हम हर चीज को उन्होंने गलत तरीके से देखा है हमेशा। मतलब मैं अगर अपना पॉइंट भी रखना चाहती थी कभी कि ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है, और इस चीज़ पे उन्होंने मतलब
काफ़ी गुस्सा किया था। मैं हॉस्टल में रहती थी, 2 साल मैं हॉस्टल में रही और 1 साल मैं बाहर रही, डे बोर्डर बन गई थी। तो इस चीज़ पे भी भाई पे उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया कि डे बोर्डर क्यों बना दिया और ये वो। तो मैं हमेशा अपने भाई को यही बोलती थी कि जितनी बाउंडेशन लगाओगे मेरे ऊपर, उतना ही मैं, जो तुम लोग नहीं चाहोगे मैं वो काम करूँगी। मुझे तुम लोगों ने वो काम करने सिखा दिए जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं होता था।